सचिवालय कर्मचारियों का जनरल हाउस से आज सरकार ने कर्मचारी संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। कल अब जनरल हाउस में अगली रणनीति बनाएंगे कर्मचारी। बता दें आपको कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने सचिवालय कर्मचारी महासंघ का समर्थन किया है। डीए और एरियर की मांग को लेकर मुखर है कर्मचारी और इस बीच ये मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में दिनों। तो अब आज जनरल हाउस का आयोजन किया जाएगा और वहीं पर अगली रणनीति बनाएंगे कर्मचारी अपनी। कई और कर्मचारी संगठनों ने सचिवालय कर्मचारी महासंघ को अपना समर्थन दिया है और ये पूरा मामला अब सुर्खियां बटोर चुका है। इस मामले को लेकर बयानबाजियां भी तेज हैं और विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने सीपीएस पर खर्च करने के लिए तो मुख्यमंत्री उनकी सरकार के पास काफ़ी पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डी और एरियर देने के नाम पर उनका खजाना खाली हो जाता है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने सचिवालय कर्मचारी महासंघ का समर्थन किया है और आज जनरल हाउस का आयोजन किया जाएगा और वहीं पर अगली रणनीति तय की जाएगी। बता दें आपको कि कर्मचारी डीए और एरियर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर इस खबर पर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, आज जनरल हाउस का आयोजन किया जाएगा, सचिवालय कर्मचारी महासंघ की तरफ से अन्य विभागों के कर्मचारी संघों ने भी उनका साथ देने का ऐलान किया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सरकार की बातचीत नहीं हो पाई कर्मचारी महासंघ के साथ। अब क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर प्रदीप, क्या सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने एक पोस्ट भी किया, आप बताइए तफसील से तमाम चीजें। बिल्कुल बंगाल, देखिए ये और ये 3 दिन में दूसरा मौका है जब आम सभा की बैठक बुलाई गई है। 21 अगस्त को भी आम सभा हुई, जनरल हाउस हुआ और आज एक बार फिर से जनरल हाउस हो रहा है। तस्वीरें आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि अब जो शुरुआत है वो जनरल हाउस की वो हो चुकी है। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं राज्य सचिवालय से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नारेबाजी जो है इस वक्त चल रही है और इनके जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी इस वक्त मंच पर हैं और इसमें इनकी मांग यही है कि हमें महंगाई भत्ता जो 12% पेंडिंग हो चुका है वो मिलना चाहिए। और बाकी भी आप देख सकते हैं कि 1:30 बजे का समय दिया गया था तो राज्य सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो अभी यहाँ निकल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और फिर इस जनरल हाउस में जो राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ है उसके जो पदाधिकारी हैं वो संबोधित करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी उसकी भी जानकारी देंगे और इसमें जो विधानसभा सचिवालय है वहाँ के कर्मचारी भी उसमें प्रदर्शन में यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी भी आप कह सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा जो है यहाँ पर भीड़ हो चुकी है और इसमें प्रमुख मांग इन सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमारा जो महंगाई भत्ता है और उसके साथ साथ 2016 से लेकर अब तक का जो एरियर हमें नए वेतनमान का मिलना चाहिए वो हमें दिया जाना चाहिए। तो सभी यहाँ पर इसी मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं कर्मचारी और अपनी मांग को जो है वो प्रमुखता से रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी भी हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। जनरल हाउस आज फिर बुलाया गया है, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को लेकर सीरियस नहीं है, बातचीत के लिए नहीं बुलाया जा रहा है? अभी तो ऐसा लग रहा है शायद अभी सीरियस नहीं है क्योंकि का जो था तो उससे तो ये लग रहा है कि सीरियस नहीं है, वो तो उसका सचिव मुझे लगता है कि सरकार के साथ कोई किस अपने बच्चों की फीस जमा करानी है, हम लोग लोन का इंटरेस्ट देंगे
कुछ नहीं मिल रहा है, सैलरी की बढ़ती लग रहा है सरकार सीरियस नहीं है, ये वो जो है वो सरकार ने नहीं बुलाई है। कहाँ कमियां रह रही है, क्या लगता है कि आंदोलन बड़ा होगा आने वाले समय में, बड़ा रूप ले लेगा? प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे लगातार।